दहन पुतला दहन रावण दहन और आर्य दहन, ये तीन प्रकार का दहन होता है हमारे यहाँ। आर्य दहन का मतलब होता है बाहर से आए हुए लोगों के पुरखा यदि मर जाता है तो क्या उनके पुरखा जो है तुम्हारे गांव में उसकी मिट्टी या अग्नि संस्कार होगा, नहीं होगा। मैं यहाँ मर जाऊंगा अभी तो ये गोल्डा के मार्केट में मुझे जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ। मेरे बाप दादा लोग राजनांदगांव जिला के एक छोटे से गांव में रहते हैं, वहाँ मेरा स्थान जाएगा और वहाँ के लोग सम्मान से मिट्टी देंगे और मेरे संस्कार करेंगे। जिस तरह शहीद सरहदों में मरने वाले शहीदों का शव जो है हिमालय जहां भी सरहद है वहां से सम्मान उनके मातृभूमि लाया जाता है। ये भारत की परंपरा है, गुरुवाना की परंपरा है। तो आज ये जो है एशिया माइनर से बाहर आए थे, उस जमाने में हमारा राजा सबू से राज करते थे, उनसे कहा गया महाराज हमारा पुरखा मर गया, हमें यहाँ जगह दिया जाए, ये बताओ मेरा शव आपके गांव में मुझे फाटने दोगे? अभी भी नहीं होता, दूसरे गांव का आदमी दूसरे गांव के घर मरघट में नहीं जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाते, नहीं नहीं ये वो गांव का है उस गांव में जाया जाएगा। तो हमारे शंभू शेख ने कहा नहीं 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 तुमको जगह नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कहने लगे हमारा देश तो बहुत पूरा है महाराज, कैसे करेंगे? कैसे नहीं हो? सब उपाय किया गया, जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हम ले जाएंगे अपने बाप को, परंतु मिट्टी को रखना संभव नहीं है, इसलिए उसने जला करके मटका में भर के जिस दिन जाना हुआ उस दिन ऐसी व्यवस्था हमारे शंभू शेख ने आर्यों को दिया था। आर्यों ने तब से वो जलाना व्यवस्था किया, मगर हमारे यहाँ दफन की व्यवस्था है, मिट्टी देने की व्यवस्था है। दूसरा रावण दहन, अभी किसी भी नेता के पुतला जलाते हैं तो नेता जी जिंदा रहते हैं तब पुतला जलाया जाता है। यदि रावण का पुतला जलाता है इसका मतलब होता है कि रावण जिंदा, तभी तो हम उसके पुतला जलाते हैं। यदि रावण मर गया तो उसका पुतला नहीं जलाना चाहिए। तो ये अंतर है हमारे रावण दहन में, आर्य दहन में और ये पुतला दहन में। तीसरा है हाथी, गोरवाना में सफेद हाथी था और एक सफेद हाथी और था, बाकी सब काला हाथी थे। सफेद हाथी गोरवाना में राजा संग्राम शाह के पास था, उन्होंने अपने बहू को गिफ्ट में दिया था, जो तो रानी दुर्गावती के पास भी सफेद हाथी था जिसका नाम सरवण था और राजा इंद्र के पास एरावत नाम का हाथी था और बाकी तो काला हाथी था। मगर गोरवाना के हाथी को क्या कहा गया?
सफेद हाथी श्री गरुआ, हम लोग जानते हो क्या होता है सफेद हाथी श्री गरुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा, सफेद हाथी मतलब पोरा जू कहा गया और इनामत को बोले भगवान का इंद्र का हाथी है बोला गया। हमारे पास है इनामत नाम का हाथी था उसे। आप बच्चे ध्यान देंगे कि जो मकान सर बता रहे हैं आपके इतिहास में कहीं पर नहीं मिलेगा। ये जो बता रहे हैं इतिहास, वही इतिहास दुनिया की किसी भी पत्ते पर नहीं मिलेगा।